हे दोस्तों, ऑथर जिम जब केजी में थे तब वो एक बार चेयर पे खड़े होकर विंडो से बाहर देख रहे थे फायर फाइटर्स को, जिन्हें वो अपना हीरो मानते थे। तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और वो सर के बल गिर गए। नाउ ये एक्सीडेंट उनके लिए बहुत ट्रेजिक साबित हुआ, क्योंकि इससे उनके ब्रेन में डैमेज आ गया था, डैमेज जिससे उन्हें फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। इसकी वजह से वो चीजें ठीक से नहीं पढ़ पाते थे, उनका फोकस बहुत ज्यादा खराब हो गया था, उनकी मेमोरी भी वीक हो गई थी, उन्हें कुछ भी जल्दी याद नहीं हो पाता था, वो बाकी बच्चों की तरह नॉर्मली रीड तक नहीं कर पाते थे। इनफैक्ट उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी थी वो बाकी बच्चों के कंपैरिजन में 3 साल पीछे हो गई थी, जिसकी वजह से ही वो अपनी क्लास में सबसे पुअर परफॉर्म करने वाले बच्चे बन गए थे। सब उनका बहुत मजाक उड़ाते थे, उन्हें स्टुपिड बुलाते थे। इवन उनके टीचर से जब 9th क्लास में एक बार जिम ने एक सिंपल कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा जो उन्हें नहीं समझ आ रहा था, तो उनकी टीचर ने कहा, यू द बॉय विद द ब्रोकन ब्रेन, और ऐसे ही उन्होंने टॉन्ट जैसा कुछ रिप्लाई किया जिसने जिम को बहुत ज्यादा हर्ट करा। इसके बाद जिम सच में ये बिलीव करने लग गए कि वो एक ब्रोकन ब्रेन वाला इंसान है। वो यही सोचने लगे कि वो एग्जाम्स में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है, वो बाकियों से ज्यादा मेहनत करते थे बट फिर भी वो ग्रो नहीं कर पा रहे थे। उन्हें ये लगने लगा था कि उस एक्सीडेंट की वजह से उनका ब्रेन हमेशा के लिए डैमेज हो चुका है और अब वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो पाएंगे। नाउ इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर एक दिन वो अपने दोस्त के घर पर डिनर कर रहे थे, तो उनके दोस्त के फादर ने उनसे क्वेश्चन पूछा, जिम तुम्हारा स्कूल कैसा चल रहा है? ये सुनने के कुछ देर बाद ही वो रोने लगे और अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताने लगे कि उनकी ब्रेन इंजरी की वजह से वो कुछ नहीं पढ़ पा रहे, फोकस नहीं कर पा रहे और वो सच में बहुत स्टूपिड है। नाउ ये सब सुनने के बाद उनके फ्रेंड के फादर ने उन्हें रोका और उनसे पूछा कि जिम तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हारे ड्रीम्स क्या है? नाउ जिम कंफ्यूज्ड हो गए, तो उनके फादर ने क्या किया कि उन्होंने अपनी एक डायरी से ब्लैंक पेज निकाला और जिम को दे दिया और कहा कि इस पेज पर अपने सारे ड्रीम्स और एम्बिशंस लिख दो। ना ये चीज मुझे काफी अजीब लगी क्योंकि उनसे कभी किसी ने ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। स्टिल उन्होंने उस पेपर को लिया और उसमें लिखना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद उनके फ्रेंड के फादर ने जिम के कानों के पास 2 फिंगर्स रखी और कहा कि जिम तुम और तुम्हारे ड्रीम्स में बस इतना ही डिफरेंस है। नाउ इस इशारे से उनका मतलब था उनका ब्रेन। फिर वो उन्हें अपने बुक के रूम में लेके जाते हैं जहाँ बहुत सारी माइंडसेट से रिलेटेड बुक्स होती है, जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच, पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसे दिखाकर वो कहते हैं जिम को कि तुम्हें अब से हर वीक ये एक बुक पढ़नी है। नाउ जिम को ये बिलीव तो नहीं होता है कि वो अपने ब्रोकन ब्रेन के साथ हर हफ्ते एक बुक रीड कर पाएंगे, बट स्टिल वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके बाद उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि हाँ उनका ब्रेन डैमेज्ड है, वो थोड़े स्लो है। इसलिए फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने ब्रेन को अब से ट्रेन करेंगे। उन्होंने सोचा कि वो अपनी लर्निंग स्पीड को भी इंक्रीज करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। और इसी तरह फिर जिम ने बुक्स रीड कर करके अपने ब्रेन के ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक करना स्टार्ट कर दिया, जिसका रिजल्ट आज जिम कहते हैं कि वो किसी भी स्टेज पे 50 रैंडम ऑडियंस लोगों को खड़ा करके उनके नामों को आज इजीली याद कर सकते हैं। प्लस वो 100 से ज्यादा रैंडम नंबर्स की सीरीज को याद करके सुना सकते हैं। 16 साल की एज तक वो ठीक से पढ़ नहीं पाते थे, बट लास्ट 30 ईयर्स से वो हर हफ्ते एक बुक पढ़ के खत्म करते हैं। ना ऑथर इस अमेजिंग मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से बताते हैं कि हम सबके पास ये कैपेबिलिटी है कि हम अपने ब्रेन को जैसे चाहे वैसे ट्रेन कर सकते हैं, अपनी मेंटल एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। भले ही फिर आप लर्निंग में स्लो हो या किसी भी स्किल को सीखने में स्ट्रगल करते हो, तो भी आप ये कर सकते हो। जब वो अपने डैमेज्ड ब्रेन के साथ ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। इनफैक्ट ऑथर कहते हैं कि बस 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है जो आपको इम्प्रूव करने से, आपको एक बेटर पर्सन बनाने से रोक रहा है, जो अभी हम इस वीडियो में एक एक करके डिस्कस करेंगे इस बुक समरी की हेल्प से, जिसका नाम है लिमिटलेस बाय जिम क्विक, जो कि बहुत प्रैक्टिकल बुक है और ये बुक पक्का आपकी ब्रेन की एबिलिटीज को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करेगी। सो लेट्स सी देम। 3 में से पहली चीज है माइंडसेट, द व्हाट। इमेजिन करो जब आप छोटे थे तो आपका जो ब्रेन था वो बेबी एलिफेंट जैसा था जिसे एक रोप से बांध दिया गया था, और जब आप बड़े हुए तो आपका ब्रेन भी फिर एक बड़ा और पावरफुल एलिफेंट बन गया, जो चाहता तो उस रोप को तोड़कर आराम से फ्री हो सकता था, बट वो ऐसा करता नहीं है। क्यों? क्योंकि उस एलिफेंट का ये बिलीव बन चुका है कि उसने बचपन में इस रोप को तोड़ने का बहुत ट्राई करा था बट फिर भी वो फ्री नहीं हो पाया था, इसीलिए आज भी वो नहीं हो पाएगा, जो सच नहीं है। ऑथर बताते हैं कि हमारा माइंडसेट भी ऐसा ही काम करता है। एक बार जो भी हम बिलीव लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मान लेते हैं, हमारे दिमाग में बैठा लेते हैं, उससे हटकर कुछ भी सोच पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को फिक्स करना होगा, जिसे चेंज करने के लिए ऑथर 3 स्टेप का प्रोसेस बताते हैं। स्टेप नंबर 1, नेम योर बिलीव। सबसे पहले आपकी जो लिमिटिंग बिलीव्स है उसे आपको नाम देना होगा, जिससे फिर वो इमेजिनरी थॉट से हटके कुछ रियलिटी बन पाएगी, जिससे फिर आप क्लियरली समझ पाओगे कि आप कैसे सोचते हो और उससे रिलेटेड कुछ एक्शन ले पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर का ये बिलीव था कि उनकी इंजरी की वजह से उनका ब्रेन भी कभी नॉर्मल नहीं रह पाएगा,
तो उन्होंने इस बिलीफ को नाम दिया था लिमिटेशन कॉज्ड बाय इंजरी। इसी तरह आप भी अपने बिलीफ्स को नाम दो और लिखो, जिससे कि आप अपने आप से क्लियरली कम्युनिकेट कर पाओगे कि आप क्या सोचते हो अपने लिमिटिंग बिलीफ्स के बारे में और उसका रीजन क्या है और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। स्टेप नंबर टू, गेट टू द फैक्ट्स। अब आपको अपने बिलीफ्स को फैक्ट्स के साथ मिला के उसे चैलेंज करना है। जैसे आपको पता ही है कि आपका ब्रेन अब एक बेबी एलिफेंट नहीं है बल्कि एक जाइंट एलिफेंट है, तो आप आराम से उस रोप को मतलब उन लिमिटेशन को तोड़कर फ्री हो सकते हो, जो कि प्रैक्टिकल है। इसलिए इस स्टेप में आप स्टडी करो कि जो लोग आपके जैसे थे, आपके बिलीव्स वाले थे, वो लोग कैसे उससे लड़े और उससे फ्री हुए। बिकॉज जब जिम अपने इंजर्ड ब्रेन से इतने इवॉल्व हो सकते हैं, तो एक नॉर्मल इंसान अपने ब्रेन के साथ सोचो क्या क्या कर सकता है। ना इससे रिलेटेड एग्जांपल देखें तो, अगर आप लोगों से बात करने से दूर रहते हो, सोशली ज्यादा एक्टिव नहीं हो और खुद को ये मानते हो कि आप सबसे बोरिंग पर्सन हो, तो आपको इस बिलीव को चैलेंज करना चाहिए कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। आपने लास्ट टाइम किसी नए इंसान से कब इंटरेक्ट करा था, उस टाइम पे आप कितने कॉन्फिडेंट थे, आपकी सोच क्या थी, और सबसे इम्पोर्टेंट, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी सोशल स्किल्स पर काम करा है, जिनकी पर्सनालिटी पहले आपकी तरह थी बट उन्होंने फिर उसे इम्प्रूव करा और बेटर पर्सनालिटी वाले इंसान बने। स्टेप नंबर थ्री, क्रिएट न्यू बिलीव्स। ये दोनों स्टेप्स के बाद जब आप अपने लिमिटिंग बिलीव से फ्री हो जाओ, जब आप ये मान लो कि हाँ आप चेंज हो सकते हो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तब आपको अपने न्यू बिलीव्स को क्रिएट करना है। क्योंकि याद रखो, जो आप बिलीव करते हो वैसे ही आप बन जाते हो। इसलिए फिर न्यू बिलीव्स के साथ अपने बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट करो और बिलीव करो कि आप सब कुछ कर सकते हो। नंबर टू, मोटिवेशन द वाई। ऑथर मोटिवेशन को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि मोटिवेशन एक एनर्जी होती है जो किसी भी काम को करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, वैसे ही सुबह स्कूल, कॉलेज या फिर अपनी गोल्स पे काम करने के लिए भी आपको एनर्जी चाहिए, जिसे हम मोटिवेशन भी बोलते हैं। ऑथर मोटिवेशन के बारे में तीन झूठ बताते हैं जिन पर नॉर्मली सब बिलीव करते हैं बट करना नहीं चाहिए। लाई नंबर वन, मतलब झूठ नंबर वन, मोटिवेशन फिक्स्ड होता है जो चेंज नहीं करा जा सकता। ऑथर बोलते हैं सच तो ये है कि अपने मोटिवेशन को आप इंक्रीज कर सकते हो, आपको बस उस काम से रिलेटेड नॉलेज को कंज्यूम करते रहना चाहिए। लाई नंबर टू, मोटिवेटेड रहने के लिए आपको उस काम को इंजॉय करना बहुत जरूरी है। नाउ ऑथर बोलते हैं कि सच तो ये है कि आपको कोई भी काम करने के लिए इंजॉय करने से ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए। जब आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन होगा तो आप बहुत सारे काम कर पाओगे, भले से फिर वो आपको काम करने का मूड करे या ना करे। लाइन नंबर थ्री, या तो आप कुछ काम करने के लिए मोटिवेटेड रहते हो और कुछ काम करने के लिए नहीं रहते हो। ऑथर बोलते हैं बट सच तो ये है कि आप जब चाहे मोटिवेशन को क्रिएट कर सकते हो, बस उस काम से रिलेटेड आपको स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेना होगा। ऑथर बोलते हैं कि देखो, मोटिवेशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मोटिवेशन इज इक्वल टू पर्पस इंटू एनर्जी इंटू स्मॉल स्टेप्स। मतलब मोटिवेटेड रहने के लिए आपको एक मीनिंगफुल पर्पस चाहिए सबसे पहले, उस काम को करने के लिए फिर आपको एनर्जी चाहिए, और मोटिवेटेड रहने के लिए आपको स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेते रहने चाहिए। बस अगर आप ये तीन चीज कर दोगे तो आप हमेशा मोटिवेटेड फील करोगे। नंबर थ्री, मेथड द हाउ। एक बार एक इंटरव्यू में बिलियनर वॉरेन बफेट से पूछा गया कि अगर उनकी जिंदगी भर की जो सक्सेस है उसे बस एक वर्ड में डिफाइन करने बोले तो वो कैसे करेंगे। इस पे उन्होंने रिप्लाई किया, फोकस। और उनके साइड में बैठे बिल गेट्स ने भी इस बात से एग्री किया। स्टीव जॉब्स भी फोकस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इनफैक्ट स्टीव के अकॉर्डिंग हर फालतू चीज को नो बोलकर कैरफुली चूज करना कि आपको अपना टाइम कहाँ स्पेंड करना है, इस एबिलिटी को ही फोकस कहते हैं। फोकस ही एक ऐसी चीज है जो एक एवरेज परफॉर्मर को एक सुपरस्टार परफॉर्मर बनाता है। वैसे ही जैसे नॉर्मल सनलाइट कुछ नहीं कर सकती, बट जब मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हो तो मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू सनलाइट जब पेपर को टच करती है बस एक पॉइंट पे फोकस करके, तो उसे जला देती है। वैसे ही आपको भी फोकस करके काम करना चाहिए अगर आपको भी कमाल करना है तो। बट हाँ, अगर आपको फोकस मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है तो अगेन गुड न्यूज है कि आप अपने फोकस को इम्प्रूव कर सकते हो। आपको बस प्रैक्टिस करके अपने ब्रेन के मसल्स को ट्रीट करना होगा, जो हाँ बस एकदम से नहीं हो पाएगा, बट अगर आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप अपने फोकस को इम्प्रूव कर सकते हो। जिसका एक मेथड ऑथर बताते हैं वो ये है कि आप कोई भी एक बुक लो और उसे एक टाइमर लगा दो 4 मिनट का, और फिर उसे नॉर्मल स्पीड में रीड करना स्टार्ट करो, और जब 4 मिनट खत्म हो जाए तो आप मार्क कर दो कि आपने कहां तक रीड करा। नाउ फिर आप 3 मिनट का टाइमर लगाओ और दोबारा रीड करो, और ट्राई करो कि जो आपने 4 मिनट में पढ़ा था अब उसे 3 मिनट में ही खत्म कर पाओ। और सिमिलरली फिर इस एक्सरसाइज को 2 मिनट तक, इवन 1 मिनट तक ट्राई करो और प्रैक्टिस करते रहो। ये चीज आपकी रीडिंग स्पीड को और फोकस को बहुत इंक्रीज करेगी। अब पूरे वीडियो का समअप करते हुए बताऊं तो, आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये समझना चाहिए कि आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में है,
ना कि आप आपके ब्रेन के कंट्रोल में हो। इसीलिए आप जैसे चाहो अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो, जो फिर आपको आपके ड्रीम्स अचीव करने में हेल्प करेगा और जो करना बहुत इम्पोर्टेंट भी है। आप ये बात याद रखो कि अगर कोई प्रॉब्लम है जो आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक पहुंचने से रोक रही है, तो वो बस आपका खुद का ब्रेन है जिसे आपको कंट्रोल करना है। और ये करने के लिए आपको सबसे पहले एक राइट माइंडसेट को डेवलप करना होगा। आपको अपने बिलीव्स को चैलेंज करना होगा, अपनी कैपेबिलिटीज को फैक्ट्स के बेसिस पर जज करना होगा। ये करने के बाद आपको मोटिवेशन क्रिएट करना होगा, जिसके लिए आपको खुद को एक बहुत स्ट्रांग रीजन देना होगा कि आप उस काम को क्यों करना चाहते हो। और लास्टली राइट माइंडसेट को फॉर्म करने के बाद और मोटिवेशन क्रिएट करने के बाद जो वर्ड पे आपको हमेशा फोकस करना है वो है फोकस। और यही सब चीजों को करने के साथ आप लिमिटलेस हो सकते हो। ये सारी बातें मैंने आपको जिम क्विक की बुक लिमिटलेस से बताई है, जो कि काफी अमेजिंग है। अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है, आपका क्या लिमिटिंग बिलीव है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे उन सभी लोगों के साथ जो अपनी लाइफ को बहुत लिमिट में जी रहे हैं। और सबसे मेन, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया है तो वो प्लीज दबा दीजिए और हमारे मिशन रीड इंडिया रीड का हिस्सा बने, जहां हम मिलकर लोगों के अंदर बुक्स पढ़ने का शौक पैदा कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।